दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पंचायत चुनाव 2021 75 जिलों की परिसीमन सूची जारी, आरक्षण लिस्ट पर टिकी सबकी नजरें। तो दोस्तों इसी के साथ बताते चले पंचायत चुनाव आरक्षण सूची के इंतजार में चुनाव चिन्ह तय। जी हाँ दोस्तों, ग्राम प्रधान पद के लिए सबसे अधिक है। तो दोस्तों चुनाव चिन्ह तय हो गए हैं। तो दोस्तों ये कितने चुनाव चिन्ह तय हुए हैं हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पंचायती राज विभाग ने उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचायत चुनाव के लिए आज 75 जिलों की परिसीमन सूची जारी कर दी है। इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य की संख्या कम होने के साथ साथ ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या भी में भी कटौती कर दी गई है। ये वजह है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों में निराशा का माहौल है। दरअसल नई सूची के अनुसार कई दावेदारों को दूसरे ग्राम पंचायतों से चुनाव लड़ना पड़ सकता है या फिर यानी नई ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बताते चलें कि सभी ग्राम पंचायतों यानी उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह तय हो गए। पंचायत चुनाव के लिए 164 चुनाव चिन्ह यानी चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 18, ग्राम प्रधान पद के लिए 57, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 36 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 53 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। प्रत्याशियों को इन्हीं में से एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना होगा, यानी सबसे अधिक चिन्ह ग्राम प्रधान के लिए होंगे। तो दोस्तों आपको बताते हैं चलें कि उत्तर यानी प्रदेश में इस समय तृतीय पंचायत चुनाव को की तैयारियां रफ्तार से चल रही हैं। मतदाता की प्रक्रिया की अधिसूचना का इंतजार है। इस बार मतदान के दौरान ग्राम प्रधान पद के पर 45 लोग चुनाव लड़ सकेंगे। एक गाँव से प्रस्थान होगा। जी हाँ दोस्तों, एक गाँव से 45 उम्मीदवारों का यानी प्रस्थान होगा। आप वहाँ एक गांव से 45 लोग चुनाव लड़ सकते हैं, यानी प्रधानी के चुनाव में 45 लोग दावेदार हो सकते हैं। इसके लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह का मत पत्र होगा। आपको बता दे चले इस बार चुनाव के लिए मत पत्र पर तोप से लेकर हवाई जहाज प्लेन का तक का चुनाव चिन्ह होगा। इसके अलावा उगता सूरज, हल जोतता किसान, इमली, अनार, पुस्तक जैसी चिन्ह रहेंगे जिसके माध्यम से प्रधानों की 5 वर्ष के लिए किस्मत लिखी जाएगी। तो दोस्तों इस बार ये चुनाव चिन्ह तय कर दिए गए हैं सरकार ने। और दोस्तों दो बच्चों वाला नियम कोई लागू नहीं होगा। और दोस्तों इस बार 8वीं पास का भी नियम लागू नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो भी आपको इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों 75 जिलों की परिसीमन सूची जारी हो गई है और कुछ ही दिनों में यानी 2-4 दिनों में आरक्षण लिस्ट यानी जारी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।